के खुलते ही पवन पुत्र ने दस्तक दे दी है सिनेमा घरों में। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खुला वैसे ही पवन पुत्र को तुरंत का तुरंत इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रसारित कर दिया है। आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में यह फिल्म लग चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर यानी कि आज के दिन से ही केंद्र सरकार ने इजाज़त दे दी है कि सिनेमा घर खुल जाएंगे, और उस हिदायत में ये सबसे बड़ी चीज़ कही गई है कि सिनेमा घरों में मास्क उतारना सबसे बड़ा अपराध होगा, यानी कि आप बिना मास्क के फिल्म नहीं देख सकते, मास्क पहनकर ही आपको फिल्म देखना होगा। ये भी हिदायत दी गई है कि थिएटरों में लिमिटेड लोग ही जाएंगे, आजू बाजू की सीट खाली ही रखी जाएगी। लेकिन पवन के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लॉकडाउन से पहले जब उनकी फिल्म सिनेमाघरों में प्रसारित हुई थी और कुछ ही दिन चल पाई थी, तभी लॉकडाउन लग गया, बिहार में सिनेमाघर बंद हो गए। यूपी बिहार ही क्यों, पूरे देश में सिनेमाघर बंद कर दिए गए थे और अब सिनेमाघर शुरू कर दिए गए हैं। तो फिर से पवन पुत्र यह फिल्म प्रसारित कर दी गई है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, आप इस फिल्म को एंजॉय करना चाहते हैं, तो पवन सिंह, काजल राघवानी, प्रियंका रेवड़ी और पवन सिंह के डबल अवतारों के साथ आप यह फिल्म देख सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।